YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सैंपल हैंडलिंग इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। द पर्पस ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग द सैंपल हैंडलिंग इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस आर टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉसिबल स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग वर्क। सेकेंड, हाउ टू मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक एरर्स। And the last one, how to improve the consistency and credibility of the results. सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करें तो SOP mean is step by step instructions that act as guideline during analysis work. When analysis followed the SOP for particular test, the results will be consistent and more accurate. एक्चुअली जो हम सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक एरर की बात करते हैं, तो जब आप पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो अप करेंगे तो आपकी जो एरर है उसके चांस मिनिमाइज होंगे। लेकिन अगर आप जो है उसको किसी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं और आपके पास उसका रिटर्न में प्रोसीजर नहीं है और आप जस्ट जो है उसको वर्बल जो है प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसमें नॉन सिस्टमेटिक एरर के चांसेस हैं कि किसी भी स्टेप पे हो सकता है कि आप किसी स्टेप को स्किप कर दें, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स के अंदर जो है वो एरर का फैक्टर जो है वो शामिल हो जाए। तो इट्स नॉन सिस्टमेटिक एरर होगी जो कि बाद में आपके लिए ट्रेस करना भी जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से आपके पास जब भी आप कोई टेस्ट परफॉर्म करें तो आपका उसके रिटन प्रोसीजर जो है SOP आपके पास मौजूद हो और आपने सेम उसी को जो है फॉलो अप करते हुए अपने टेस्ट को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, अगर हम कैलिब्रेशन की बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनालिसिस एंड स्पेशली ऑन योर रिजल्ट्स, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स हैं उनका डायरेक्टली जो है रिलेशन आपकी कैलिब्रेशन के साथ होता है। क्योंकि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर जो है वो कैलिब्रेट नहीं है तो आपकी जो रिजल्ट्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सो ऑल द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस शुड बी कैलिब्रेटेड। लाइक आप एक एनालिसिस के दौरान यूवी के अंदर नॉर्मली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं, आपने वेइंग बैलेंस को यूज़ किया है, आप मुख्तलिफ किस्म का ग्लासवेयर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो यूज़ करते हैं, या आप फाइनल जो है कैलिब्रेटेड आपने जो पीपर्स वगैरह हैं उसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर ये आपकी कैलिब्रेटेड नहीं होंगी तो ये नॉन सिस्टमेटिक जो है एक एरर जो है आपके रिजल्ट्स के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी और ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है और आप इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे जो है आपके रिजल्ट्स के अंदर जो है वो एरर आ रही है। ग्लासवेयर नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर आपके पास ग्लासवेयर है तो कोशिश किया करें एक ही टाइप की जो है, क्योंकि इसमें सैंपल और स्टैंडर्ड आपने पैरेलल रन करना होता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, ये कंपैरेटिव एक टेस्ट होता है। तो इसमें आप एक ही टाइप की जो फ्लास्क हैं एक ही कंपनी के अगेंस्ट जो है उसको आप यूज़ करें। सेम पीपर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो सेम जो है उसकी एक ब्रांड के अगेंस्ट आप उसको यूज़ करें और उसकी जो टाइप है वो टाइप ए आपने यूज़ करनी है, ताकि आपने आपका मकसद ये है कि जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो एरर का जो एलिमेंट है उसको आपने मिनिमाइज़ करना है। अगर हम सैंपल की बात करें तो जो टाइप्स ऑफ सैंपल जो आपके पास लैब में रिसीव होगा जिसको आपने एनालिसिस करना है, तो वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक आपका सॉलिड फॉर्म में है एक आपका लिक्विड है। तो पहले अगर हम सॉलिड की बात करें, जो सॉलिड सैंपल में जो मेन प्रिकॉशंस आपने लेनी है वो ये है कि आपने उसकी एक सफिशेंट क्वांटिटी पाउडर की जो है उसको आपने पेस्टोमीटर में लेके उसको ग्राइंड करना है और ग्राइंडिंग के बाद आपका जो सैंपल है वो बिल्कुल होमोजेनाइज होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो आपका API है एक्टिव है टैबलेट के अंदर उसके रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी है वो डायरेक्टली आपकी होमोजेनिटी पे डिपेंड करती है। अगर आपका सैंपल अच्छे तरीके से ग्राइंड है और होमोजेनाइज है तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स आपको फाइंड आउट होंगे। और सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है सैंपल की वो माइट बी लिक्विड भी हो सकता है। तो लिक्विड में दो तरह के सैंपल हैं, जस्ट लाइक एक आपका नॉर्मल रूटीन की विस्कोसिटी है तो उसको तो आप पेपर्स वगैरह से जो है इजीली टेक कर सकते हैं, इतना इशू नहीं आपको आएगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी जो लिक्विड सैंपल है वो विस्कस है
ठीक है, सस्पेंशन टाइप है या विस्कस है, तो वहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि आप अपने सैंपल्स को जो है वो हमेशा बाय वेट जो है उस सैंपल को जो है आप हैंडल करें, और जो बाय वेट है वो ऑलरेडी चूँकि आपने उसकी वेट पर ML जो है रिजल्ट्स आपके पास मौजूद होंगे, तो आप उसको थ्रेटिकली बाद में अपनी कैलकुलेशन में जो है थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि एक्चुअल आपने इस वेट के अगेंस्ट कितना वॉल्यूम है जिसको आपने एनालिसिस कर रहे हैं। बाय वेट जब आप लिक्विड्स को जो है अगर टेक करते हो और एनालिसिस करते हो तो इससे भी आप अपनी जो एरर्स है उसको आप मिनिमाइज कर रहे होते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक एरर्स हैं। अगर नंबर एक में आएँ तो आप देखें वे एंड एक्यूरेटली ट्रांसफ़र इनटू फ्लास्क, ये फर्स्ट स्टेप होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मोस्ट ऑफ द टाइम एनालिस्ट जो है सबसे पहली एरर जो है या तो वो वेइंग में करता है, और अगर वेइंग उसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है तो ट्रांसफ़र के दौरान जो है वो पाउडर प्रॉपरली उसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जहाँ से जो है वो आपकी एरर स्टार्ट हो जाती है। ऑनवर्ड चाहे आप बिल्कुल एक्यूरेट काम करें, लेकिन चूंकि आप पहले स्टेप पे ही एरर को जो है अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर चुके हो, तो वो एरर थ्रू आउट आपके रिजल्ट तक जो है पैरेलल मूव होगी। तो इस वजह से ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो फैक्टर है कि आपने अच्छे तरीके से वे करना है और उसको फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करना है। सेकंड ये है कि जो आपने सॉल्वेंट की सिलेक्शन है वो लिटरेचर बेस करनी है, और ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना है जिसकी सॉल्युबिलिटी आपके API के हिसाब से, जो आपकी ड्रग है, जो आपका रिक्वायर्ड एनालाइट है, उसके हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो और वो नॉन वोलाटाइल हो। नॉन वोलाटाइल मीन कि अगर वोलाटाइल होगा ड्यूरिंग एनालिसिस जो है वो वेपोरेट होगा, और उसकी वजह से जब आप फिल्ट्रेशन में जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो प्लस माइनस जो है वेरिएशन आएगी। और लास्ट वन जो है ये मिक्सिंग का जो पैटर्न और जो उसका टाइम है, क्योंकि ये एक कंपैरेटिव मेथड होता है, तो इसके अंदर आपने सैंपल और अपने स्टैंडर्ड को सेम पैटर्न से मिक्स करना है, और उसकी टाइमिंग भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर सफिशिएंट वेरिएशन होगी तो आपके रिजल्ट के अगेंस्ट भी जो है वो चांसेस होंगे एरर आने के। मिक्सिंग पैटर्न से हमारा मुराद ये था कि अगर आपने एक को मैकेनिकली आपने जो है मिक्सिंग लगाई है अपने स्टैंडर्ड को, तो आपने अपने स्टैंडर्ड को अगर इस तरीके से ट्रीट किया तो सैंपल को भी सेम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। इस तरह नहीं करना आपने कि एक आपने सैंपल को जो है वो आपने मैकेनिकल वे से आपने उसको मिक्स किया है, और आप अपने सैंपल को चाह रहे हैं कि मैं इसको सोनिकेट कर दूँ, और सोनिकेट का कोई टाइम लिमिट या कोई वो आपने जो है वो राइट डाउन नहीं की, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स जो हैं सैंपल और स्टैंडर्ड जब कंपैरिजन में जब आप उसकी अब्जॉर्बेंस लोगे तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें एनालिसिस के दौरान, तो देखें दो तरह के आपके पास सॉल्यूशन बनेंगे। एक टर्म यूज़ होगी स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन से मुराद ये होती है कि जो आपका प्राइमरी सॉल्यूशन होता है, लेट्स सपोज अगर आपने 100 mg जो है वो वे किया है 100 ml के दौरान ml वॉल्यूम के अंदर, तो इसको आप कहेंगे ये मेरा स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन है। और इसको यूज़ करते हुए जो आप सेकंड डाइल्यूशन बनाते हो, कि लेट्स सपोज आपने फर्स्ट वाले में से 1 ml लिया और उसको फर्दर डाइल्यूट करके 100 ml आपने जो है वॉल्यूम मेकअप किया है और उसकी आप रीडिंग लेते हो, तो जो सेकंड वन है वो आपका वर्किंग सॉल्यूशन कहलाएगा। स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन जो है इसके अगेंस्ट जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि ये मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है तो आपने अपने टेस्ट को फर्दर प्रोसीड नहीं करना। आपने अपने सॉल्वेंट को देखना है, उसकी सॉल्युबिलिटी को देखना है API की, तो वो आपने उसको क्लियर करना है अपने स्टैंडर्ड को सबसे पहले। इसी तरह सैंपल के अंदर एक्सीपिएंट भी हो सकते हैं, टैबलेट की अगर आप बात करें तो हो सकता है कि वो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, स्टार्च लैक्टोज और टैल्कम वगैरह जो आपकी टैबलेट की फार्मूलेशन के अंदर है, तो लेकिन उसमें जो उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को आपने उसी हिसाब से उसको सॉल्युबिलिटी पे लेके जाना है जो आपने मिक्सिंग देनी है, जिस तरीके से आपका स्टैंडर्ड बिहेव कर रहा है। और फाइनली जब आपने उसको उतने ही टाइम जितने स्टैंडर्ड डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद आपने उसको प्रॉपरली जो है वो फ़िल्टर करना है, क्योंकि अगर आप फ़िल्टर नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलेट मैटर के जो हैं पार्टिकल्स होंगे, उसकी वजह से जो आपकी एब्जॉर्बेंस का जो पैटर्न है वो वेरी कर जाएगा, और आपके रिजल्ट डेफिनेटली जो है टर्बिट के अगेंस्ट अगर आप रीडिंग लेंगे तो आपकी रीडिंग जो है वो वेरी करेगी एज़ कम्पेयर टू योर स्टैंडर्ड।
टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो नॉर्मली आपको मार्केट में प्लास्टिक, ग्लास और क्वार्ट्स, ये तीन डिफरेंट टाइप्स के जो हैं सेल अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से मौजूद हैं और आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से या आपके टेस्टिंग के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इनमें से यूज़ करना है। लेकिन दोनों जो सेल हैं वो सेम होने चाहिए, चूँकि आपने एक में सैम्पल और दूसरे में आप स्टैंडर्ड एट ए टाइम जो है उसको कंपेयर कर रहे हो। अगर इंस्ट्रूमेंट पे आप उसकी फाइनल जो है आपने जो सॉल्यूशन वगैरह बनाए हैं उसकी एब्जॉर्बेंस के हवाले से बात करते हो, हैंडलिंग के बात करते हो, तो सबसे पहले आपने अपने सॉल्वेंट के अगेंस्ट जिसके अंदर आपने डिल्यूशन बनाई है उसके अगेंस्ट आप उसकी ऑटो ज़ीरो करोगे, और उसको करने के बाद फिर आप सेकेंड स्टेप में जो है अपने स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस को चेक करेंगे, और लास्ट वन जो है आपने जो टेस्ट सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसके अगेंस्ट आप जो है अपने सैंपल की वैल्यू जो है वो वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इन केस आप अगर टैबलेट वगैरह को टेस्टिंग कर रहे हैं तो टैबलेट में आपको पता है कि टैबलेट के अंदर मुख्तलिफ एक्सीपिएंट्स भी होते हैं, तो वो एक्सीपिएंट भी डिसॉल्व होने के बाद कुछ ना कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं, चाहे उनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ना हो, तो वो क्या करेंगे आपकी एब्जॉर्बेंस को इंक्रीज कर देते हैं, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है जब आप वैलिडेशन करते हो वो भी इसी का पार्ट होता है कि आप एक प्लेसिबो बनाते हो। प्लेसिबो मीन कि वो सारे इंग्रेडिएंट जो हैं विदाउट एपीआई एक्टिव के अलावा वो सारे इंग्रेडिएंट जो है आप बाय वे करके लैब के अंदर आप उसका जो है एक प्लेसिबो तैयार करते हो उसी रेशियो में जिस रेशियो में आपने सैंपल टेक किया है अपना सैंपल बनाने के लिए। तो उसको आप प्लेसिबो को रन करोगे, उसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी उस एब्जॉर्बेंस को आप माइनस करेंगे जो आपकी सैंपल की वैल्यू है। जब आप उसको माइनस करेंगे तो वो एक्चुअल में आपकी नेट वैल्यू होगी जो सैंपल के अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए। लास्ट में कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें सिंपली ये है कि अगर आपने एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड को हम ए से रिप्रेजेंट करें और एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन को बी से करें, तो सी अगर हम यूज़ करते हैं प्लेसिबो के लिए, तो यहाँ पे जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी सेम वही है कि आपने बी में से सी को माइनस करेंगे तो जो बी है वो एक्चुअल आपकी वो वाली एब्जॉर्बेंस है जो आपके एनालाइट या एपीआई के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो आपने डी वैल्यू को यूज़ करते हुए ऐसे वैल्यू जब आपने फाइंड आउट करनी है फार्मूले के अंदर तो आपने वहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देना है कि ऊपर आपकी जो है एब्जॉर्बेंस आएगी सैंपल की डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस बाय द स्टैंडर्ड, और इसके क्रॉस में जो है ऊपर आपकी जो है कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड आएगी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप जो है इजीली जो अपने रिजल्ट्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।